टाटा की टियागो गड्डी है जी, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक आ गई उन्होंने माड़ी जी अलाइनमेंट आउट हो, स्टीयरिंग विंगा हो जाए, एंगल सेंसर है जो नोक सेंसर उस डिस्टर्बेंस आ जाती है, लाइट आ गई गड्डी खिंच रही थी, आटो कैलीब्रेशन करना आप लाने हैं वह प्रोसैस दिखाऊंगे थोड़ा। हाँ जी दोस्तों सत श्री अकाल, टाटा की कोई भी गड्डी होवे जिहड़ी हाइब्रिड आ गई है, इलैक्ट्रिकल स्टीयरिंग होवे तां उहदी समस्या जदों कोई अलाइनमेंट कराउण जांदा है जां शॉकर चेंज करदा है, ते मकैनिक वीरां लई खास गल है ते कस्टमर नूं वी इह गल समझणी चाहीदी है वी इहदा स्टीयरिंग दा पिनियन कढ के एंगल सैट करना पैंदा। बेटा कढो जरा, सो आपां कैलीब्रेशन कर लई, स्टीयरिंग कढ लिया, इहदे च इक फंडा दित्ता होया जदों आपां कैलीब्रेशन करनी है ये जीरो की थां ते वन होना चाहिए, वन आ गया जी, ठीक है जी। अगर वन आ गया तो स्टीयरिंग इतने रहा है, तो जी आप इधर ये मुताबिक चलिए तो थोड़ा जहा टायर है ये बाहर नूं है, ठीक है जी। इस एंगल नूं सैट करने वास्ते कई बार थलड़े पासों पीनियन वाला बोल्ट खोल के एडजस्टमेंट करनी पैंदी है, जिहड़ी कि काफ़ी दिक्कत वाला काम बन जाता है, क्योंकि कस्टमर तो कल अलाइनमेंट कराना है, उन्हें तो 300 रुपया अलाइनमेंट का भरता, उदू बाद जी मकैनिक दिक्कत आनी है, अलाइनमेंट वाले दिक्कत आनी है, वह किमें फेस करनी है इस वीडियो देखो जो असं अज फेस कर रहे हैं, क्योंकि शॉकर का कम किया एंड खोल के या वाल जॉइंट खोल के जो आप अलाइनमेंट करते हैं तो थोड़ा जि भी यदा एंगल कोशिश होंगी है ज़्यादातर अलाइनमेंट वास्ते ये एंगल टेढ़ा रह जाए तो कोई फर्क नहीं पैंता, पर कस्टमर के माइंड कोई मेरा ही अलाइनमेंट आउट है जी, मेरा स्टीयरिंग टेढ़ा, उस स्टीयरिंग के सीधा करने वास्ते हमेशा अलाइनमेंट वाले जो अपनी अलाइनमेंट करते हैं तो स्टीयरिंग लॉक करके सेंटर च रखते हैं तो थलड़े पास्यों जोड़े एंड है वह एडजस्ट करते हूँ आप जो आप प्रॉब्लम है वह फेस कर लगे है। सो दोस्तों एक बार असी टायर सीधे करते, टायरों को सीधा रख लिया तो हूँ थलड़े पास्यों पीनियन पट्टांगे, जो आप पीनियन पट्टांगे तो जी हूँ जीरो आई हुई है इनू आप एक सैट करा, जो एक सैट करा फिर गड्डी खिचनों हटेगी। सो दोस्तों जिहड़ी गल मैं समझाउणी चाहुंदा है या लोग नहीं समझते वो अज मैं दसदा है भी स्टीयरिंग जिहड़ा इस एंगल ते रहिंदा, जो इस एंगल ते स्टीयरिंग रहिंदा तो जीरो की थां ते वन आ गया, कैलीब्रेशन होनी है इत्थे ते इहदे विच सिर्फ ते सिर्फ बेटा बोल्ट दे दे, इहदे च झरियां देतियां, ठीक है जी। जो झरियां देतियां तो जिहड़ा अंदरला टक है वह टक एक दिता हो अंदरले पासे गलाई प्रॉपर हो जाती जिथे ये बोल्ट ने पैना, बेटा बोल्ट दो आ जिथे बोल्ट ने पैना ना ये कितने भी एंगल से रख के बोल्ट आप पा सकते हूँ की होया आलो जी पीनियन, पीनियन कितने पे है और सामने पे है तो पीनियन के उत्ते जिहड़ा टक है वो जाता आ बनया हुआ जिहड़ा टक है आ वाला ये कंप्लीट सारे पीनियन ते हुंदा ते जिथे भी ब्रीक झरी च पै के आप एडजस्ट कर सकते कंपनी ने टक तो देता एक हुण स्टीयरिंग है जिहड़ा वो रोड ते चलन मुताबक गड्डी सीधी करता ते इहदे मुताबक स्टीयरिंग है जिहड़ा वो टेढ़ा करता। जे बेटा नेड़े लेके जाइए इनू इत्थे लेके जाइए, ये हुण एक दे उत्ते कैलीब्रेशन होनी है, मैं जी इहदा स्टीयरिंग सीधा कर लिया, जदों इहदा उस स्टीयरिंग दे मुताबक टायरां मुताबक सीधा कर लिया तो हुण इहदी कैलीब्रेशन नहीं होनी, हुण की करना पैना है सानू इहदी कैलीब्रेशन इहदे मुताबक करनी पैनी है, इंडा तो करवानी पैनी है एडजस्टमेंट, फिर उदों आ जांदी है दिक्कत। सो प्रीत मोटर्स मोगा, छोटी जी गल वड्डा किड्डा तकलीफ का कारण बनती है, वह गल कस्टमर नहीं फेस करता। हुण इत्थे प्रॉब्लम की आती है, जिदा कि मैं गड्डी का काम किया मान लो भी किसी ने वाल जॉइंट वड्डा या छोटा कर दिता, अलाइनमेंट वाला की सोचता है भी मैं दोनों एंडा की गोली चूड़ियाँ इको जी कर देव, वह भी आप हम चेक कर दें जे दोनों एंड बराबर ना हो, क्योंकि टाटा की गड्डी है, टाटा की गड्डी त्यागो बनाती फ्यागो बनाती नैक्सन बनाती फलाना बनाती किन्ना कुछ इकट्ठा करता, पर कई बार समान नहीं मिलता तो मिस्त्री जुगाड़ कर देता।
ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਜਗਾੜ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾ ਜਗਾੜ 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 ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲੈਨਮੈਂਟ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌ ਸੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੱਧਰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲਾ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਡਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਆਫ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਇਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੌਕ ਸੈਂਸਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੌਕ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਚਲੋ 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 ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਵਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਲਓ, ਆ ਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਚੱਕਿਓ ਪੁੱਤੇ, ਸਕੈਨਰ ਚੱਕੋ, ਸਕੈਨਰ ਚੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਲਿਆਓ ਪਨੂਰਾ, ਲਿਆ ਬੇਟਾ, ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਓਕੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਓ ਜੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਦੇ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫਲਾਨਾ ਇੰਨੇ 'ਚ ਲੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।